हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण देखेंगे, यानी मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। हम लोग यहाँ पर एक प्रायिकता बंटन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि माना x एक यादृच्छिक चर है जो मान x1, x2, x3 कहां तक, xn तक प्राप्त करता है, जिसकी प्रायिकताएं क्रमशः p1, p2 कहां तक, ये डॉट 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 P3 कहां तक लेके चले जाते हैं, PN तक ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका प्रायिकता बंटन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको दिखाएंगे। देख लीजिए, यहां पर हम लोग चार्ट बना के दिखा देते हैं प्रायिकता बंटन को, ठीक है। इसी तरह से हम दिखाएंगे जी प्रायिकता बंटन को। चलिए, अब यहां पर हम लोग ले लेते हैं जो चर है x, और यहां पे चरों की प्रायिकताएं, संगत प्रायिकताएं यहां लेंगे। चलिए, अब यहां हम लोग ले लेते हैं चर मान क्या था जी, चर का मान क्या था, x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे करके कहां तक है, xn तक है। और इनकी संगत प्रायिकताएं हमने क्या लिया है, p1 p2 p3 p4 p5 कैसे कहां तक, pn तक। तो ये आपका प्रायिकता बंटन हुआ ना जी। अब इस प्रायिकता बंटन का अगर हमें यहाँ माध्य निकालना है, या फिर ऐसे कहे यादृच्छिक चर का माध्य निकालना है, तो हम लोग इस आंकड़े का माध्य के लिए देखिए क्या करेंगे। इसका माध्य निकालना है, इसका माध्य जो होगा, तो माध्य को आप एक्स के ऊपर बार दे दीजिए, या फिर म्यू से भी यहाँ डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये माध्य कैसे निकलेगा, तो सिग्मा I इक्वल टू 1 to n क्या ले लेंगे, तो यहाँ इंटू में ले लेंगे PIXI, या फिर ऐसे है ना जी, XIPI भी से आप लिख सकते हैं, यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई कर करके और उन सबका योग, इन सबको गुना कर करके उसका योग, इसी को ना डिनोट कर रहा है, और बटा में सिग्मा I इक्वल टू 1 to n PI, यानी कि इन सभी प्रायिकताओं का योग। यानी कहने का मतलब ये चर मान है, और यहाँ पे ये उनकी क्या दर्शाया गया है, तो ये उनकी प्रायिकताएं दर्शाई गई हैं। तो इस तरह से इसका माध्य निकालेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि किसी घटना के सभी प्रायिकताओं का योग, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी यादृच्छिक चर होते हैं उनके सभी प्रायिकताओं का मान जो होता है वह 1 के बराबर होता है, यानी कि इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसलिए नीचे लिखेंगे नहीं मैं, यानी कि हमें यहाँ माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला प्राप्त हो गया सिग्मा I इक्वल टू 1 to n XIPI या फिर PIXI। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 1 to n XIPI। तो ये आपका माध्य निकालने के लिए हमें सूत्र प्राप्त हो गया, ये माध्य निकालने के लिए हो गया, यानी कि इन सब में गुना कर देंगे और सबका योग निकाल देंगे तो हमें माध्य प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रसरण की, प्रसरण की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रसरण, ठीक है। अब हम लोग प्रसरण की ना बात करने वाले हैं जी, यानी कि वेरिएंस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि माध्य को हम लोग ऐसे, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ई एक्स भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा, प्रसरण के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसको, वेरिएंस ऑफ एक्स, या फिर छोटा सिग्मा का स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों से आप डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां लिख देता हूं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस माध्य को हम लोग यहाँ म्यू से या फिर एक्स के ऊपर बार से भी डिनोट किए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आप डिनोट करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, का स्क्वायर इनटू में पी आई और बाई में क्या हो जाएगा नीचे, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n पी आई का पी आई, सॉरी यही ना होगा जी,
चलिए, तो इसका मान तो एक ही होगा, यानी कि हमें प्रसरण के लिए यहाँ फॉर्मूला मिल गया आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई माइनस माध्य का वर्ग इंटू में पी आई। ठीक है, ये आपका यहाँ पर प्रसरण यानी वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला मिल गया। वेरिएंस ऑफ एक्स, चर का वेरिएंस निकालने के लिए सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई माइनस माध्य, तो म्यू भी दे सकते हैं, का स्क्वायर इंटू में पी आई। ये आपका फॉर्मूला हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए। ठीक है, अगर हमें यहाँ से मानक विचलन निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, आप इलेवेंथ में पढ़े हुए ना जी, मानक विचलन निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग छोटा सिग्मा से नोट करते हैं, इसको सिग्मा के स्क्वायर से, इसको छोटा सिग्मा से, यानी कि इसको निकालने के लिए हो जाएगा रूट अंडर वेरियंस ऑफ एक्स, है ना, इसके वेरियंस का ही रूट निकाल देंगे तो हमें मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग प्रसरण के लिए एक दूसरा सूत्र ज्ञात करते हैं। अभी हमने देखा ऊपर कि प्रसरण जो है वेरियंस जो है, इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा है सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई माइनस का माध्य का स्क्वायर इंटू में पी आई, यही हमने देखा है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ से दूसरा सूत्र निकालते हैं। सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर माइनस टू इंटू में माध्य इंटू में एक्स आई और प्लस का माध्य का स्क्वायर इंटू में पी आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं पी आई से। सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर एक्स आई का स्क्वायर इंटू में पी आई, ठीक है, और माइनस टू एक्स, यहाँ टू इंटू में माध्य एक्स आई पी आई, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस माध्य का स्क्वायर इंटू में पी आई। ठीक है, अब अलग अलग इसमें हम लोग सिग्मा लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई का स्क्वायर इंटू में पी आई माइनस टू इंटू में माध्य, कॉन्सेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, आई इक्वल टू वन इंटू वन टू एन एक्स आई पी आई, और यहाँ माध्य का स्क्वायर इंटू में सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन पी आई। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए क्या होता है, सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस टू इंटू में माध्य, और ये भी माध्य का ही ना फॉर्मूला है जी, हम लोग पढ़े हुए हैं, ये माध्य का ही फॉर्मूला है। चलिए, और यहाँ पर माध्य का स्क्वायर इंटू में इसका मान क्या होगा, एक होता है ये हम लोग जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ जगह है कि सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई पी आई जो है ये माध्य के लिए होता है, और हम लोग जानते हैं कि सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन और पी आई जो होगा सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग ये वन होता है। चलिए, सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई का स्क्वायर इंटू में पी आई और माइनस टू इंटू माध्य का स्क्वायर इंटू प्लस में माध्य का स्क्वायर। तो अब हम लोग इसे लिख सकते हैं कि वेरियंस ऑफ एक्स निकालने के लिए, हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई और माइनस माध्य का स्क्वायर। आप ऐसे भी तो इसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई इंटू में पी आई, एक्स आई का स्क्वायर इंटू में पी आई और माइनस माध्य का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें प्रसरण के लिए एक और सूत्र यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं, अब इसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे डब्ल्यू 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 डॉट
रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।